तो इसी लेक का व्यू आता है, सही वो लेक है। ऊपर से आगे देखेंगे तो सही से नजर आएगा आपको, क्योंकि नीचे की साइड के आगे जो टेंपल है पानी के अंदर डूबा हुआ है, गाय के मुख से पानी गिरता है यहाँ पर 24 आवर्स। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था, इस फोर्ट का जो नींव रखा गया था वो 5 सेंचुरी में, जिसे देखते हैं तो ये वाला वॉल खत्म होता है, उसका आगे देखो कच्ची दीवार स्टार्ट हो रही है, जिसमें चूना वगैरह इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ पत्थर चूना हुआ है, सिर्फ पत्थर है ना, वो आगे तक फैली हुई है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 7 सेंचुरी में जब मौर्य वंश के राजा चित्रांगद मौर्य आते हैं तो वो 13 किलोमीटर में इस तरह से वॉल बनाते हैं, पूरी पहाड़ी के ऊपर चारों तरफ ये राउंड में बनी हुई है 13 किलोमीटर की वॉल, फिर उसके अंदर जो एरिया है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, पूरा मतलब बाहर के इलाका है 13 किलोमीटर का है, बाहर का जो एरिया में ये जो दीवार बनी हुई है चूने की, तो ये तो है 13 किलोमीटर की, फिर इसके अंदर जो हम ये विजिट कर रहे हैं ये जो एरिया है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या नीचे जो टेम्पल डूबा हुआ उसमें देखते हैं तो जो खंबे डूबे हुए ना पानी के अंदर, इसमें आगे की साइड में तो रानी के महल से टनल आता है जो नीचे की साइड जो अंदर है, अभी तो क्या होगा पानी के अंदर डूबा हुआ टेम्पल, आगे की साइड में मंदिर है भगवान शिव का, दो गाय के मुंह लगे हुए दीवार के ऊपर 24 आवर्स वो पानी गिरता रहता है, वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च किया है लेकिन आज भी कोई पता नहीं लगा पाया कि वो पानी कहाँ से आता है। अच्छा, और इसमें खंबे जो डूबे हुए हैं, इसमें कॉर्नर वाला जो खंबा है उसका आगे देखिए, और उसके बीच में जो आगे वाला जो खंबा है और उसका आगे वाली जो दीवार है उसके बीच में जो स्पेस नजर आ रहा है उसमें देखो अलग से सीमेंट लगा काम नजर आएगा, उजला थोड़ा लग रहा है, ब्लैक दिख रहा ना बीच में पट्टी वगैरह, और इधर वाले स्पेस में देखो बिल्कुल व्हाइट नजर आएगा, चूना व्हाइट चमकता है तो वो बिल्कुल व्हाइट दिख रहा है और इधर ब्लैक नजर आ रहा है, सीमेंट का कलर अलग से दूर से पता चल जाता है ये सीमेंट का काम है। दूसरा से यहाँ पर क्या टनल खुलता था रानी के पैलेस से, रानी टनल से यहाँ पर आती थी स्नान करके सारे टेम्पल्स के अंदर पूजा करके वापस टनल से अपने पैलेस में जाती थी, और यहाँ पर क्या देखते हैं तो आज भी हमारे यहाँ पर जैसे जो निर्भय नाथ जी थे जो यहाँ के संत महात्मा जो बोले जाते हैं तो उनका कई सारी जो एक तरह से वो तपस्या करते हैं कई समय तक, तब जाकर कहा जाता है कि वो पानी आएगा, तो आज भी हमारे यहाँ पे बोलते हैं कहावत बोलते हैं कि गोमुख दे रहे झरना पर है, गोमुख मतलब गाय हो गया, हाँ गोमुख गिर रहा है झरना भरे मतलब ये पूरा कुंड भरेगा। अच्छा, निर्भय नाथ जी की छोर करोड़ों वर्ष तपस्या करे जब पावे गणचित तोड़, मतलब आप करोड़ों वर्ष तपस्या भी करोगे तो ऐसा नहीं घटने पाओगे, तो इस तरह से यहाँ पर ये चीज बोलते हैं जैसे गोमुख जरा झरना भरे निर्भय नाथ जी की छोर करोड़ों वर्ष तपस्या करे जब पावे गणचित तोड़।